मैं नया खेल रुकवानी बोल रही हूँ। मैं देव के अंदर में आज से 2 महीना पहले तक बैठी थी। 2 महीना पहले 1 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं अपना घर बंद करके बाहर अपनी बड़ी बहू के घर में गई। 8:30 बजे मैं वापस आई, तभी मुझे वॉचमैन ने ये बताया कि आपके घर में 15 जेंट्स और 15 बूढ़े और 2 लेडीज, उनके साथ 2 और लेडीज थी जो घुस के बैठे हैं, जिसमें मैं जिनको पहचानती नहीं, उनका नाम एक हर्ष माखीजा, सुनीता माखीजा, गीता माखीजा है, बाकी 15 बूढ़े हैं जो मैं नहीं पहचानती हूँ। मैंने वही टाइम बहुत सोचा, मैंने उनको हाथ पैर जोड़े लेकिन उन्होंने मुझे अंदर आने नहीं दिया और हाथापाई की उन्होंने मुझसे। फिर मेरे को उन्होंने समझाया कि आप मान जी अगर आप पुलिस चौकी में जाओगे पुलिस आपको सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए कल बैठ के मामला ख़त्म कर देंगे। उनका मतलब कहने का ये था कि जो हम देंगे वो आप ले लो, लेकिन मैंने ये बात बहुत सोची और वहाँ पे मैं रोने बैठ गई। तो 1 घंटे के बाद मुझे अकल आई, मैंने फटाफट 100 नंबर पर फ़ोन किया और 100 नंबर से छः पुलिस वाले वहाँ पर आ गए। 6 पुलिस वालों ने सब ने देखा कि मेरा माल इन्होंने बालकनी से फेंका था, वो सब मैंने पुलिस को दिखाया है, जिसमें गलेले थे, चप्पल थी, मेरे कपड़े थे और मेरे बेटे के कपड़े थे, बाकी जो टीवी या जो घर का सामान होता है, खाने पीने का बर्तन भेजे थे, बाकी टीवी अंदर है और मेरा 1,08,000 अंदर था, एक चेन सोने की अंदर थी, जो मैंने पुलिस वालों को बोला भाई अंदर जाके मेरा देख लिया, एक कबट है, जो वॉशिंग मशीन है, सब अंदर जाके देख के आओ। पुलिस वो टाइम तो अंदर नहीं गई, अगर वो टाइम अंदर जाते थे तो मेरा 1,08,000 प्लस चेन तो मिल ही जाती थी, लेकिन आज तक वो नहीं मिली है। पुलिस जब तक गई वो वहाँ से गुम हो गए, बाकी सामान पड़ा था पलंग कबट, पुलिस देख के आ गया सुबह को। उनको मैंने बहुत बोला कि अभी कार्रवाई करो, मैं अभी इन गुंडों को पकड़ो, लेकिन उन्होंने गुंडों से हाथ मिलाया और बात करके आगे चले गए। उन्होंने बोला माजी कल देखना। मैं फिर थोड़ी देर सोच के पुलिस चौकी में गई। पुलिस चौकी वालों ने भी मेरे से FIR लिखाने के लिए बहुत आनाकानी की। मैं भी बहुत रोई और वहाँ पे बैठ गई। मैंने बोला जब तक आप मेरी FIR नहीं लोगे मैं यहाँ से नहीं निकलूँगी। जब मैंने पुलिस को ये भी धमकी दी कि अगर आपने मेरी FIR नहीं लिखी है तो मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। तब उन्होंने मेरी FIR सुबह को 5:30 बजे, मैं यहाँ के 1 बजे 2 बजे वहाँ गई हूँ और सुबह को 5:30 बजे उन्होंने FIR लिखाई है और मैं 8 बजे घर आई हूँ। उसके बाद पुलिस को मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा कि आज ही आप जाके मेरा सामान निकाल के आओ और मेरे देखभाल करके आओ। तब पुलिस नहीं गई कि जैसे कि गुंडों ने मुझे बोला था कि आपका कुछ होने वाला नहीं है। बराबर जब बोला गया जब निशान मिट जाएंगे तब पुलिस आएगी। बराबर 5 दिन पुलिस नहीं गई, 5 दिन के बाद गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो फोटो वगैरह थे वो सब निकल गए, कैमरा में जो भी होते हैं वो सब निकल गए, सब साफ हो गया। उसके बाद पुलिस गई, फिर भी वॉचमैन से उन्होंने इंक्वायरी की। वॉचमैन ने बोला कि आंटी रहती थी या उनका बेटा रहता था, बाजू में से 2-4 जन जो जिनमें आज भी इंसानियत है, उन्होंने बताया कि आंटी यहाँ से 3 साल से आती जाती थी, 6 महीने से परमानेंट यहाँ ही रह रही है। काम वाली माई ने भी स्टेटमेंट पुलिस को दी है कि मैं वहीं रहती थी, फिर भी पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। अब मेरे बहुत फोर्स होने के बाद मैं यहाँ से थाना बॉम्बे सब जगह से पुलिस को फोर्स कराती आई हूँ। कुछ उन्होंने मतलब मेरे को सहयोग दिया है, लेकिन मेरे उनसे संतोष नहीं है, क्योंकि जब 3-4 दिन पहले भी मैंने एक आदमी और का नाम बताया भाई महेश माखीजा, जो भी इनके साथ था महेश माखीजा को मैंने शाम को ढूंढ के बताया कि यहाँ पे बैठा है आप मेरे साथ चलो, लेकिन पुलिस वहाँ पे नहीं चली। दूसरे दिन सुबह को जाके पुलिस वहाँ लेके आई, हमको बुलाए नहीं, उनसे क्या बात हुई हमको बताया नहीं, कोर्ट में गए उनका बेल हो गया, बात वहीं पे ख़त्म है। जब एक आदमी पकड़ा जाता है तो 15 आदमी उनसे पूछताछ तो की जाती है कि बाकी 15 कौन है, लेकिन इन्होंने कोई पूछताछ नहीं की है। जो भी जितनी भी हेल्प मेरे से होती है मैं पुलिस को कर रही हूँ, लेकिन पुलिस कुछ कार्रवाई मतलब नहीं कर रही है, बात मेरे से अच्छी कर रही है, संतोष मुझे दे रही है, लेकिन बात संतोष तक पहुँचती नहीं है। हो सकता है मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे हेल्प करो, ये बात मेरे से नहीं है, लेकिन लोगों 34 केस और भी हर्ष माखीजा के ऊपर है जिन लागू हो रही है। सब बातें प्रॉपर्टी से कंसेशन लग रही है। फिर उसके बाद मैंने 10 केस पुलिस वालों को खुद जाके इकट्ठे करके दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। घूम रहा है और हम रोड पे घूम रहे हैं। आज तक हमारे फ्लैट का क्या हुआ, कब तक मैं बाहर दूसरों के घर में रहूँगी, भले हालांकि मैं बड़ी बहू के घर में रहती हूँ, लेकिन अपना घर छोड़ के मैं दूसरों के घर में रहूँ, ये बात क्या अच्छी है? और दूसरे जो जिनका
हमारे मुझे नोटरी करके दिया था, वो सब मैं आपको कागज दिखाने को तैयार हूँ। जिसमें जिनको भी मेरे ऊपर डाउट है, मेरे घर के भी आते, मेरी जो भी बातें हैं उनकी सब इंक्वायरी कर सकते हैं। पांच जनों ने मेरे को साइन करके दिया कि ये फ्लैट मेरा है, अब नोटरी किया हुआ फ्लैट मेरा है। और हर्ष माथे या दूसरे को वही फ्लैट लिख के दे रहा है, तो अगर वो लोग बोलते हैं नोटरी बराबर नहीं है, तो नोटरी बराबर नहीं है तो नोटरी लोग करते क्यों है? नोटरी के बाद अगर रजिस्ट्री होती है तो नोटरी की लिंक तो दिखाई जाती है, इन्होंने लिंक क्यों नहीं दिखाई है? तो एग्रीमेंट तो होनी चाहिए, वो एग्रीमेंट कहाँ है जो ये लोग जबरदस्ती मेरे फ्लैट में घुस गए हैं? और आज मैं कोरटों के पीछे घूम रही हूँ और पुलिस वालों के पास जाके म्यूनसिपालिटी में जाके रोज घूम रही हूँ, आखिर मेरा क्या होगा? ये आप सब मुझे हेल्प करो तो मैं क्या करूँ? गीता माखीजा और सुनीता माखीजा अब तक वहाँ पे अंदर बैठी है, उनके साथ तीन चार बॉडीगार्ड हमेशा बैठे रहते हैं, हम लोग वहाँ आ जा भी नहीं सकते, हम अपने फ्लैट में नहीं जा सकते हैं और वो हमारे फ्लैट में बैठ गए हैं। पुलिस के पास हम गए तो पुलिस वालों ने सीधा बोल दिया कि ये हम उनको निकाल नहीं सकते हैं, बाकी जो हमसे बन पड़ेगा कि हम दायरे के अंदर करेंगे। दायरे के अंदर आप 15 गुंडों को तो पकड़ सकते हो, उनको आज तक क्यों नहीं पकड़ा है? 2 महीना पूरा हो गया आज। मैंने बहुत इंक्वायरी की हरीश माखीजा के लिए, तो कोरट से मुझे इनके 34 केसों की बात मालूम पड़ी। उसके बाद मैंने वहाँ से 8-10 केस निकाले हैं जो मैं आपको सबको सामने दिखाने वाली हूँ, आप देख लो मेरे पेपर उनमें है। ये चीज सिर्फ हरीश माखीजा ने मेरे से नहीं की है, वो नंबर 420 है, हमसे नहीं, हजारों लोगों से ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन लोग चुप रह रहे हैं क्योंकि किनके पास पैसे हैं लड़ने के लिए, किनके पास कोरट के लिए टाइम है, किनके पास नहीं है। जैसे मैंने 301 फ्लैट के लिए चुप रही थी पहले कि हमारे, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी दी थी अगर ज़्यादा बात करोगे पुलिस तो आपका कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम आपको शूट कर देंगे। भतीजे को धमकी दी थी और उसका भाई जो पेट्रोल पंप संभालता है, उसने एक बार मेरे भतीजे को बोला था, शुक्र करो ये 40-50 हज़ार लाख भी मेरे भाई ने आपको दिया है, नहीं तो आज तक कब किसको दिया है जो तेरे को दिया है? हम चुप करके बैठे। तब उसका मन सोनू बजाज उनको साथ दे रहा है लोन पास कराने में,